नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया आपको पता है हर बार कुछ न कुछ नए अपडेट निकालता रहता है। बाकी फ्लाइट वीजा ये तो आपको सबको पता है, घिसी पिटी बातें हो चुकी हैं। अभी तक उनमें कोई सुधार तो हुआ नहीं है, तो उन बातों पे तो बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक नया अभी एक न्यू कानून जिसको बोल सकते हैं सऊदी का कानून, सऊदी की तरफ से बनाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, सऊदी पुरुष जो है विदेशों में शादियां करते हैं, आपको सबको पता ही होगा, उन लोगों को रोकने का शायद एक पर्पस हो सकता है। लेकिन रोकने का कारण क्या बताया गया है, चार देशों की महिलाओं के साथ सऊदी के लोग शादी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, जिसमें पाकिस्तान को साथ में मिलाया गया। जी हाँ, कि भाई सऊदी के लोग पाकिस्तानी महिलाओं के साथ शादी नहीं कर सकते। जी हाँ, जिसमें अगर बात करें चार देशों में, तो पहले नंबर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार। जी हाँ, ये चार देशों की जो महिलाएं हैं ये सऊदी पुरुषों से शादी नहीं कर सकती, यानी सऊदी के जो पुरुष हैं इन महिलाओं से शादी नहीं कर सकते। इसका क्या रीजन हो सकता है भाई? हालांकि अगर इन्हें मना करते तो इंडियन महिलाओं को भी मना कर सकते थे, इंडियन महिलाओं के लिए भी और भी बहुत सारे देश हैं एशियन कंट्रीज में, उनको भी बैन कर सकते थे। लेकिन नहीं भाई, इन चार देशों की महिलाओं को बैन किया गया है। अभी अगर बात करें तो इन चार देश की महिलाएं लगभग 5 लाख सऊदी में बैठी हैं। जी हाँ, जो सऊदी लोग हैं 5 लाख महिलाओं से एक आंकड़े के अनुसार शादी अभी तक कर चुके हैं। तो सरकार के कहीं ना कहीं माइंड में ये दर्द हुआ कि यार ये क्या है, ये इस तरह से तो बाहर की महिलाएं सऊदी में आती रहेंगी तो ये तो बहुत बड़ा एक अलग ही माहौल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं शादियों को रोकने का एक पर्पज इसमें बताया गया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि भाई हम इन चाहते हैं कि सऊदी के लोग हैं वो बाहर की शादियां ना करें, यहीं की ही करें। इनके लिए उन्होंने कुछ शादियों के नियम भी कठोर कर दिए गए हैं। तलाक शुदा, आपको पता है तलाक, पहले वाले को तलाक दे दो, दूसरे के साथ शादी कर दो, कर लो, ये हालांकि गलत है लेकिन गल्फ कंट्रीज में ये होता है। लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर भी एक नया कानून बना दिया है, अगर कोई पुरुष मान लो तलाक देता है तो वो 6 महीने पहले शादी नहीं कर सकता किसी दूसरे देश की महिला के साथ। जी हाँ, और एज भी उसकी कम से कम 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर ही उसकी एज होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसमें रख दी है। तीसरी कंडीशन ये भी रखी है कि मान लो वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको लिखित में प्रमाण पत्र देना होगा कि उसकी जो वाइफ है पहले वाली वो विकलांग है, वो बांझ है, वो मां नहीं बन सकती, या फिर वो लंबी टाइम से बीमार चल रही है। जी हाँ, ऐसे कुछ रीजन है होते हैं तो उनको सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी, तब जाके वो शादी कर सकता है। जी हाँ, इसमें भी सरकार ने, मैं बता दूं, कुछ कंट्रोल कर दिया गया है। जो जिला वहां पे जिला महापौर है, यहाँ पर जिला कलेक्टर बोल सकते हैं, वहां जिले के जो महापौर है उनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उनसे लिखित में उनके सिग्नेचर करके मोहर लगवाना कि भाई ठीक है यहाँ से अनुमति हमें मिल चुकी है शादी की, तब जाके उनकी आगे का प्रोसेस हो सकता है शादी के लिए। जी हाँ, और उनको भी अगर शादी फिर भी इनमें नहीं काम चलेगा भाई, उनके पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, उनकी पूरी जानकारी होगी, फिर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बाद जाके काफी लंबा प्रोसेस चलेगा, लगभग ये मान सकते हो साल तो आराम से लगी जाता है, तब जाके वो शादी के लिए अनुमति उसको मिल पाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस हार्ड किए गए हैं विदेशी इन चार देशों की खासतौर से महिलाओं को रोकना और अपने ही देश में अपने लोगों के साथ शादी करना, ऐसा कुछ प्रोसेस इसमें बताया गया है। जी हाँ, आपको पता है भाई, सऊदी सरकार ने सऊदी में महिलाओं को भी कार चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी सरकार ने अनुमति दी है, वहां के लोग हैं कुछ बहुत सारे अभी भी वो भी अपनी वाइफ को कार चलाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो एक ट्रेंड वहां पे चल रहा है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से शादी करती है तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आप मुझे कार चलाने से नहीं रोकोगे लाइफ में, ये लिखित में मान लो या फिर उनके साथ एक समझौता होता है। अगर उनका वो होने वाला पति बोल देता है ठीक है मैं एग्री हूँ तो वो शादी के लिए हाँ करती है, वरना वो मना कर देती है कि भाई जो पति हमें कार चलाने के लिए नहीं देगा उसके साथ हम शादी नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ महिलाओं के जो कानून है उसमें इस तरह से कुछ फेरबदल किया जा रहा है। तो बस ये एक बड़ी अपडेट मैं इसको मान सकता हूँ कि भाई सऊदी सरकार ने बैन लगाया, लेकिन चार कंट्रियों में पाकिस्तान से बैन लगा दिया, इन देशों की महिलाओं के साथ सऊदी के जो लोकल आदमी है वो शादी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी शादी के नियम भी कठिन बना दिए गए कि ये नहीं कि मन मर्जी शादी जिस किसी के साथ दिल आ गया उसी के साथ शादी कर लिया, वैसा नहीं होने वाला है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।